मेहरबानों, आज भरी सभा के अंदर द्रौपदी सभी की तरफ लगा रही है, कहने लगती है कि हस्तिनापुर चाचा ताऊ जो कौरव पांडव है, दोनों की एक बात है, लेकिन आज इतना मनमुटाव हो चुका है कि आज एक अबला नारी को सभा के अंदर ये कौरव नगर नचाना चाहते हैं। मेहरबानों, दादा भीषम की तरफ लगाती है जो नीचे गर्दन करके बैठे हैं, पांचों पांडव दास बने बैठे हैं, जो भीम एक छोटी बात को लेकर के द्रौपदी के लिए कुछ भी कर सकता था, आज वो भी चुपचाप बैठा है। गुरु द्रोण जो कुरु वंश के गुरु हैं, जिन्होंने कौरव और पांडवों को शिक्षा दी है, वो भी आज चुपचाप बैठे हैं। मेहरबानों, सभा को ललकारती है और कहती है कि आज अगर मेरे साथ अन्याय और अधर्म होता है, मेरे चीर को हाथ लगाया जाता है, तो इस हस्तिनापुर में ताले भर जाएंगे। और किस तरह से समझाती है कि कौरव और पांडव एक ही बाप की औलाद है, एक ही खून है, मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, और किस तरह कहने लगी, आइए सुनिए। पति की कौन नारी
कितने लो